आज इतवार है 26 मार्च 2023 ईस्वी रमजान मुबारक की 4 तारीख 1444 हिजरी रोज नमा कश्मीर ट्रिब्यून से पेश खिदमत है आज की सुर्खियां। आज की सुर्खियां सुनने वाले सभी सामाइन को जान मोहम्मद का सलाम कबूल हो। रामबाग पायन में नौजवान की लाश पुर असरार हालात में बरामद, तहकीकात शुरू। सांबा फैक्ट्री में मोटर शेल धमाका, एक शख्स हलाक, 6 दीगर जख्मी। फराइज में कोताही, 31 वक्फ मुलाजमीन मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म। फर्जी एडिशनल डायरेक्टर PMO मामला, गुजरात में भी केस दर्ज, क्राइम ब्रांच टीम कश्मीर वारिद। बेटे का नाम सामने आने के बाद गुजरात CMO अहदेदार ने इस्तीफा दे दिया। लासीपुरा पुलवामा के इंडस्ट्रियल स्टेट में आग, तेल फैक्ट्री खाकिस्तर, मालिक फैक्ट्री नुकसान से दो चार। रमजान मुबारक के रवा माह में आवाम को तमाम लाजमी सहूलियात बहम रखी जाए, रफीक अहमद मीर। शहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली और पानी की किल्लत से लोग परेशान, हिंडी नौशारा मुतबरक आयाम में बरकीरों से महरूम खवातीन सरापा एहतजाज। नगीनपुरा कुंड कुलगाम के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 115 बच्चे जेर तालीम, स्कूली इमारत महज 3 कमरों पर मुश्तमिल, एक दफ्तरी काम के लिए सिर्फ 2 कमरों में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, मुतलिका एडमिनिस्ट्रेशन से मुदाखलत की अपील। महकमा अमूर सार्फीन व अवामी तकसीम कारी जिला अनंतनाग के एनफोर्समेंट सुखाड की खसूसी कार्रवाई। भारत और इराक के कौमी सलामती मुशीरों के दिफाई तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक, 7 सालों में इराक से हिंदुस्तान का पहला काबीना वजीर की सतह का दौरा। चीनी सदर शी जिनपिंग का हालिया दौरा, रूस से एटमी जंग का खतरा कम हुआ, इस दौरे ने आलमी सलामती को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया, जोसेफ बोरियल। भारत तब्दू के खिलाफ जंग की कयादत करने के लिए तैयार, मंडाविया। लफ्ज हथियारों से ज्यादा मुहल्लिक होते हैं, राहुल गांधी को ये बात तस्लीम करनी चाहिए, हम अवामी जिंदगी में बात करते हुए हद से तजावुज न करें, राजनाथ सिंह। 14 साल कबल दर्ज शिकायत व केस पर अदालत आलिया का फैसला, ASI को 1 साल कैद और जुर्माने की सजा। पटन और कुलगाम में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात शुरू। क्रीरी और पलहालन पटन में नकबजनी के 2 मामला हल, 2 मुलजमान गिरफ्तार। कर्नाटक असेंबली चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। 2025 तक जम्मू कश्मीर को TB से पाक बनाने का अहद, बीमारी का जल्द पता लगाने और आपराधिक कुवत बढ़ाने के लिए इकदाम किए हुक्काम। रमजान मुबारक के आयाम में गेरा बाजारी, लोगों के लिए बाइस परेशानी, मार्केट चेकिंग को मामूल बनाना लाजमी। टंगमर्ग में बिजली की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान। मोहताजों और बेसहारों की इमदाद के नाम पर अतियात जमा करने का सिलसिला शुरू, इमदाद किसकी करें, इस बारे में हकायक जानने और तहकीकात करना लाजमी। अब्दुल गनी वकील ने रफियाबाद के कई देहात का किया दौरा, रफियाबाद और सोपोर में बिला खलल बिजली और पानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दिया जोर। होटल इंडस्ट्री की जानिब से कश्मीरी नौजवानों का तलबा व तालिबात का बढ़ता रुझान, 90% IHM डिग्री होल्डर होटल इंडस्ट्री में हो सकते हैं शामिल। पुलिस की कार्रवाई, 60 FIR दर्ज, 72 मंशियात पर गिरफ्तार, जिले को मंशियात से पाक बनाने के अजम पर कायम, SSP कुलगाम। बांडीपुरा में 2 मिलिटेंट मोविनीन गिरफ्तार, पुलिस। वादी में कोरोना के 5 नए मामला, जम्मू में कोई मुतासिर नहीं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जनवरी फरवरी 2024 तक मुकम्मल होगा, जम्मू कश्मीर में अगले बरस वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, अश्विनी वैष्णो। जवाहर टनल के आर पार हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें, सियाहती मकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, 26-28 मार्च तक मौसम खुश्क रहेगा, 29-31 मजीद बारिशों का इम्कान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 14 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। हदबंदी कमीशन का काम मुकम्मल, इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। इंतजामिया असेंबली चुनाव के इनेकाद के लिए तैयार, श्रीनगर में G20 यूनिट अमन की निशानी, पड़ोसी मुल्क मायूस, आने वाले दिन बेहतर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लोग इस साल मई तक आधे घंटे में अखनूर पहुंच सकेंगे, तमाम सड़कों पर प्रोजेक्टों का काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। नगरोटा काजीगुंड में ट्रकों को रोका न जाए, चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हुकाम पर जोर। नागालैंड, आसाम और मणिपुर में आप सभा का दायरा मजीद इलाकों में कम करने का फैसला, शुमाली मशरक तेजी से अमन और तरक्की की राह पर गामजन, अमित शाह। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 198 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन क्रिकेट के मामला पर ICC चौकन्ना, सियासी मुदाखलत का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। नामवर खिलाड़ियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात। आप समझ कर रहे थे आज की सुर्खियां, दीजिए अपने मेजबान जान मोहम्मद को इजाजत, अल्लाह हाफिज।